सीरियल अनुपमा की कहानी में ऐसा बहुत ही कम होता है जब बा अनुपमा से अच्छे से बात करती हो। बा अक्सर ही अनुपमा को ताने मारती रहती हैं, लेकिन रियल लाइफ में बा यानी कि अल्पना बुच और अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। बीते दिन रूपाली गांगुली ने अल्पना बुच के बर्थडे पर अपनी और बा की कुछ पुरानी फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। इन तस्वीरों में रूपाली अपनी ऑन स्क्रीन सास यानी कि अल्पना बुच के साथ अलग अलग अंदाज में पोज देती हुई नजर आ रही हैं। किसी तस्वीर में रूपाली अल्पना बुच को तंग कर रही हैं, तो किसी फोटो में उन पर प्यार लुटा रही हैं। इन सारी फोटोज को शेयर करते हुए रूपाली ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे माय कटलेट, हम दोनों एक्टर से बेस्टी कब बन गए किसी को पता ही नहीं चला, लव यू बा, भगवान आपको सुख शांति समृद्धि और मुझे जिंदगी भर आपको झेलने की शक्ति दे, हैप्पी बर्थडे थू थू थू। वहीं अल्पना के बर्थडे पर अनुपमा शो में पारितोष की भूमिका में नजर आने वाले एक्टर आशीष मेहरोत्रा ने भी अल्पना के साथ अपनी दो प्यारी फोटोज को शेयर करते हुए लिखा, प्यारी सी बा का जन्मदिन, बा आप में यह आर्ट है कि आप अपने आप पर किए हुए जोक्स पर भी हंस सकती हैं और उन्हें फुली इंजॉय कर सकती हैं, हेड्स ऑफ टू यू बा, बड़े से बड़ा इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता, ऊपर वाला आपको इतनी पावर दे कि आप अपनी बकेट लिस्ट की सारी विशेष को इस साल पूरा कर लें और हमेशा खुश रहें, ऑल दी बेस्ट बा। वहीं बा यानी कि अल्पना बुज ने भी अपने बर्थडे पर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक फोटो के साथ अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली और भगवान को थैंक यू बोलते हुए एक प्यारा सा नोट लिखा। उन्होंने लिखा, मैंने एक गलत टर्न ले लिया था, फिर मैंने नई दिशा पाई, थैंक यू गॉड। और साथ में अल्पना बुज ने अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स को उन्हें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहा, थैंक यू एवरीवन फॉर विशिंग मी ऑन माय बर्थडे, मैं हर एक को पर्सनली तो थैंक यू नहीं कह पाऊंगी, थैंक्स एवरीबॉडी। इसी के साथ हम बात करें अनुपमा शो के स्टार्स की, तो जिस तरह इन्हें ऑन स्क्रीन लड़ते झगड़ते दिखाया जाता है, वहीं ऑफ स्क्रीन ये सभी कलाकार एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और अपने अनुपमा के सेट पर फनी व मस्ती भरे रील्स बनाकर अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। सुनो जी, मुझे डॉक्टर ने एक महीना आराम करने के लिए बोला है, स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन, आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। वो पूछना ये था, मैं सुधर जाऊं या फिर ऐसे ही ठीक हूँ। मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा ले रे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।